जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 खुशखबरी, PHQ विभाग ने गठित की कमेटी और जारी हुआ फिजिकल के लिए आदेश, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बड़ी खबर है कि कब से कॉल लेटर जारी होंगे, ये भी मैं आपको पूरी अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी भर्ती हो, आपको छोटी बड़ी हर बड़ी खबर आपको 100% सही और सटीक बताई जाती है। तो चलिए पूरी मैं आपको खबर बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो कॉल लेटर जारी हुआ है, जो लगभग 7000 जो प्लस वैकेंसी हैं, 7000 प्लस जो तुम्हारी वैकेंसी हैं उनके लिए कॉल लेटर जारी हुआ फिजिकल के लिए। तो ये फिजिकल के लिए पूरी मैं अपने अपडेट आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, जिसमें एग्ज़ाम तो पहले ही हो चुकी है। तो देखिए, कह रहा है कि आरक्षक रेडियो एवं आरक्षक वर्ष 2023 में द्वितीय चरण प्रमाण पत्रों की जाँच शारीरिक प्रवीणता सम्पन्न हेतु निम्नलिखित समिति गठित की गई। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लगभग 5520 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसमें प्रतिदिन लगभग 1202 परीक्षार्थियों को टेस्ट लिया जाएगा। 212 अभ्यर्थियों का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ का है, ये रतलाम का है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ से देखो जो समिति बनाई, मुख्य समिति बनाई है, दस्तावेज की अलग बनाई है, और शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उप समिति जो अलग बनाई है। तो देखिए यहाँ से मुख्य समिति इनका लास्ट फैसला रहेगा, दस्तावेज परीक्षण ये लोग करेंगे, और शारीरिक जो दौड़ धूप रहेगी ये इन लोगों का काम रहेगा। ये कहाँ का है, रतलाम का है। तो ये आप लोगों को देखो, यहाँ से समिति बन चुकी है, तो इससे ये क्लियर तो हो गया कि 23 सितंबर से फाइनल आपके फिजिकल होने वाले हैं। यहाँ से इन्होंने कहा है कि जो परीक्षा दिनांक है 23 सितंबर से इसके बीच में है, और जो कुछ तिथियां दी हैं, जो अवकाश वाली तिथियां दी हैं, जो अवकाश रहेगा कुछ बीच बीच में, बाकी के पूरा कंटिन्यू आपका फिजिकल रहेगा, ऐसा इनका मानना है। तो 212 अभ्यर्थी एक दिन आएंगे, ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को 10-10 के बैच में दौड़ाया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर है कि कॉल लेटर की मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कॉल लेटर की खबर ये है कि इनका कहना है कि 10 दिन पहले आपको ये पता चल जाएगा कि भैया आपका कहाँ होने वाला है, और 7 दिन के लगभग भीतर आपका कॉल लेटर जारी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं, बस अपना फिजिकल करिए, जितनी मेहनत हो सकती है करिए, और दर्द से बचिए, चोट से बचिए। थैंक यू दोस्तों, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं।